बढ़िया होंगे आर्मी। बीटीएस हिंदी ड्रामा का पार्ट 6 है। आपने पहले के पार्ट में देखा था कि सभी सीनियर्स ने मिलकर जूनियर्स की रैगिंग करी और लास्ट में ईरा ने जिमिन के आगे एक शर्त रखी थी, अगर वो फ्रेशर नाइट पार्टी में आना चाहती तो शुगर को उसको पार्टनर बनाकर लाना होगा। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात, इस स्टोरी में सिर्फ बीटीएस के ही रियल नेम रहेंगे, बाकी सब जो भी अदर कैरेक्टर आएंगे उनके रियल नेम नहीं होंगे, बाकी सबके अलग नेम होंगे। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिहोब शुगा के रूम में जाता है और शुगा अकेले बैठ के मुस्कुरा रहा होता है। शुगा भैया क्या बात है, आप अकेले अकेले बैठ के मुस्कुरा रहे हो, कोई खास वजह? अरे शिहोब तू कब आया? मैं तो बस अभी आया, आप मुझे ये बताओ आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? अरे शिहोब कोई खास बात नहीं है, तू पहले मुझे ये बता इतनी जल्दी पार्टी से कैसे आ गया, इतनी जल्दी पार्टी भी खत्म हो गई? वो शुगा भैया मॉम ने कहा था ना कि जल्दी पार्टी से आ जाना, वरना पार्टी तो बहुत लेट नाइट तक थी। अच्छा शुगा भैया आप मुझे बातों में मत घुमाओ, मुझे अब बताओ आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? चिहुप यार सच में कुछ खास बात नहीं है, अब बंदा ऐसे मुस्कुरा भी नहीं सकता क्या? अभी आर्यन शुगा के रूम में आता है। शुगा चिहुप तुमने अपनी मॉम को देखा है क्या? हाँ पापा हमने बहुत बार देखा है। चिहुप बेटा मजाक मत करो, अब बताओ किसी ने देखा है क्या? नहीं पापा मैंने नहीं देखा, इस टाइम तो रोज मॉम किचन में होते हैं। हाँ बेटा रोज तो वही होती है पर आज नहीं है, रूम भी चेक कर लिया और तो और मैं छत पे भी देखा आया। फिर मॉम कहाँ जा सकते हैं बिना बताए? पापा कहीं मॉम मीनल आंटी के घर पे तो नहीं चली गई? नहीं बेटा मैंने वहाँ भी पूछ लिया, वहाँ नहीं है। पापा जंगकुक भी घर पे नहीं है, शायद दोनों एक साथ गए हूँ। हाँ बेटा तू ठीक कह रहा है, मैं जंगकुक को अभी कॉल करता हूँ और पूछता हूँ वो कहाँ है। तभी जेके भी घर आ जाता है। पापा वो देखो जंगकुक भैया आ गए, सभी लिविंग रूम की तरफ जाते हैं। जंगकुक बेटा तुम्हारी मॉम कहाँ है? पापा मॉम घर नहीं है क्या? हाँ जंगकुक मॉम घर पे कहीं भी नहीं मिल रहे, हमको लगा वो तुम्हारे साथ गए हैं। मॉम जंगकुक भैया के साथ भी नहीं है, घर पे भी नहीं मिल रहे और मीनल आंटी के घर पे भी नहीं है, फिर कहाँ चले गए मॉम? अरे मेरी जिमिनी आ गई। हाँ दीदी आ गई। कैसा था आज का दिन मेरी जिमिनी का? अच्छा था दीदी, दीदी को जो आज हुआ उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकती, अगर उनको बताया तो वो ऐसे ही टेंशन ले लेंगी। अच्छा तेरा फेस इतना मुरझाया मुरझाया क्यों है? वो दीदी मैं थक गई हूँ ना। अच्छा ऐसा कर जा फ्रेश होकर आ जा और मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ, उसके बाद तू ना सो जाना। ठीक है दीदी। कहाँ चली गई हो जीनू तुम बिना बताए? पापा ये देखो लेटर। कहाँ बेटा? ये देखो टेबल पर। बेटा जल्दी देखो किसका लेटर है, कहीं ये जीनू का तो लेटर नहीं है? जी के लेटर को उठाता है और पढ़ता है। हाँ पापा ये मॉम का ही लेटर है। बेटा ऊंची आवाज में बोलो क्या लिखा है इसमें? मॉम ने लिखा है कि माय डियर फैमिली, आप सबके पास मेरे लिए जरा सा भी टाइम नहीं है, सभी अपने अपने में मस्त है, कोई दोस्त से मिलने चला जाता है तो कोई पार्टी करने चल जाता है और मुझे कोई कहीं नहीं लेके जाता, बस सारा दिन घर पे पड़ रहती हूँ या फिर किचन में, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता कि मुझे भी बाहर जाने का मन करता है। आर्यन तो बस नई नई शादी हुई थी तब बाहर लेके जाते थे, जब से उनका बिजनेस बढ़ा है ऐसा लगता है कि भूल ही गए कि उनकी कोई वाइफ भी है, इसलिए अब बस बहुत हो गया, मैं बहुत दूर जा रही हूँ। बेटा चुप क्यों हो गए, आगे पढ़ो। बस पापा इतना ही लिखा हुआ है इसमें। पापा मॉम घर छोड़ के चले गए क्या, अब मैं कैसे रहूंगा उनके बिना? चुप कर जेहोप, रोने से कुछ नहीं होगा, हमें मॉम को ढूंढना चाहिए। हाँ मैं सच में जीनू को उतना टाइम नहीं दे पाता जितना पहले देता था, पर मैं भी क्या करूँ काम ही बहुत है। पापा अब ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है, हमें जाकर मॉम को ढूंढना चाहिए। हाँ जंगकुक तुम ठीक कह रहे हो। शुगा बेटा तुम और जेके रेलवे स्टेशन चेक करोगे, मैं और जेहोप बस स्टैंड, ठीक है? और जिसको भी जो खबर मिलेगी जीनू की वो कॉल करके बताएगा। हाँ पापा चलो। इतने में जीनू घर वापस आ जाती है। पापा वो देखो मॉम आ गई। जेहोप भागकर जीनू के गले लग जाता है। मॉम आप आ गए, कहाँ चले गए थे आप? हाँ बेटा पर तू ऐसे रो क्यों रहा है? हाँ मॉम अब
चीनू तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कोई ऐसे घर छोड़ के जाता है क्या? अरे आप ये क्या कह रहे हो, मैं क्यों अपना घर छोड़ के जाऊंगी? और किसने कहा मैं घर छोड़ के जा रही हूँ? मॉम आपने तो इस लेटर में लिखा था कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं बहुत दूर जा रही हूँ। हाँ मॉम ये देखो आपने ही लेटर में लिखा है। ये ले जिमिनी खाना खा ले। जिमिन चुपचाप खाना खा लेती है। जिमिन तू बहुत थक गई है ना, तेरी फेस से भी लग रहा है। हाँ दीदी। या तू मुझसे कुछ छुपा रही है? नहीं दीदी कुछ नहीं छुपा रही। दीदी आज का दिन ना काफी अच्छा था। अच्छा फिर बता आज क्या क्या किया। मैंने ना एक नई फ्रेंड बनाई, उसका नाम एना है, बहुत ही क्यूट है और बहुत ही स्वीट। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी जिमी ने एक नई फ्रेंड भी बना ली, वो भी क्यूट और स्वीट। हाँ दीदी। और बता। और तो हमारे सीनियर्स ने ना सभी जूनियर्स का बहुत अच्छे से वेलकम किया। सच में? हाँ दीदी सच में। और उन्होंने 2 दिन बाद फ्रेशर नाइट पार्टी भी रखी है हम जूनियर्स के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ दीदी मेरा खाना हो गया, मैं जाऊँ सोने। ठीक है जिमिनी जा आराम कर ले। जिमिन वहाँ से चली जाती है और वी अपने आप से बात करती है। ये जिमिनी को क्या हो गया है, उसका मूड ठीक नहीं लग रहा था। कॉलेज में कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा पर ये मुझे बता नहीं रही। हाँ बेटा ये मैंने ही लेटर लिखा है। चीनू तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो, वो भी इतनी छोटी सी गलती के लिए। अरे यारे आप रो क्यों रहे हो, मैं कहाँ आपको छोड़ के जा रही हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ चीनू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। अरे मैं। हाँ मॉम हम सब भी आपको बहुत प्यार करते हैं। हाँ मॉम शुगर भैया सच कह रहे हैं। इतने में जीनू की फ्रेंड शीतल आ जाती है। जीनू तू अपना सामान कार में ही भूल आई थी, ये ले। ओह थैंक्स, आओ बैठो। नहीं बस, पर ये भाई साहब क्यों रो रहे हैं? कुछ नहीं बस इनको लगता है कि मैं घर छोड़कर चली गई थी। अरे भाई साहब जीनू कहीं घर छोड़कर नहीं गई थी, वो मेरे साथ शॉपिंग पे गई थी। फिर मॉम आपने ऐसा लेटर में क्यों लिखा कि मैं बहुत दूर जा रही हूँ? हाँ जीनू जवाब दो। आरएम जंगकुक दरअसल बात ये है कि जब मैं लेटर लिख रही थी तो पेन खत्म हो गया था और लास्ट लाइन पूरी लिख ही नहीं पाई। लास्ट लाइन तो ये थी कि मैं घर से बहुत दूर जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, तुम लोग चिंता मत करना। पर मैं आधा ही लिख पाई और इतने में शीतल आ गई और वो मुझे जल्दी से शॉपिंग के लिए ले गई। क्या मॉम आप भी ना? हाँ मॉम आपने तो हमें डरा ही दिया था और पापा को तो रुला ही दिया था। मेरी तरफ से सभी को दिल से सॉरी। अच्छा जरूर मैं चलती हूँ। ठीक है ठीक है शीतल। सॉरी आरएम मैं आपको रुलाना नहीं चाहती थी। मेरी तरफ से भी सॉरी, मैंने भी तुम्हें अपना टाइम नहीं दिया ना। हमारे मॉम डैड कितने अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ शुगर भैया बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमको इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। धीरे से बिना आवाज के निकल लो। हाँ सही कहा तुमने जंगकुक, चलो। तीनों वहाँ से चले जाते हैं। कोई बात नहीं आरएम मैंने आपको माफ किया। चीनू मैं एक बात कहूँ? हाँ बोलिए आरएम। परसों हम रात को डिनर पे चलेंगे। आरएम आप सच कह रहे हैं? हाँ सच कह रहा हूँ। आई लव यू आरएम। आई लव यू टू माय चीनू। अरे चिमिनी तू इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है, अभी तो कॉलेज का टाइम भी नहीं हुआ। वो दीदी एना ने मुझे जल्दी आने को कहा है, उसने कहा कि कॉलेज स्टार्ट होने से पहले हम 0 लेक्चर अटेंड करेंगे। ओके बाय दीदी। पर जिमिनी ब्रेकफास्ट? दीदी अभी टाइम नहीं है। अच्छा रुकिए ले कुछ पैसे और बाहर से कुछ खा लेना पर हेल्दी, फालतू नहीं। जी दीदी ओके बाय। बाय जिमिनी। जी होप शुगा ये लो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो रहा है। मुझे और पापा को भी जल्दी दे दो, हमको भी ऑफिस जाना है। हाँ चीनू आज ऑफिस में बहुत काम है। ये लीजिए आप लोग भी। मुझे इतनी सुबह सुबह बुलाकर ये एना खुद कहाँ रह गई? एना पीछे से जिमिन को आवाज देती है। जिमिन पागल तूने तो मुझे डरा ही दिया था। ओह आई एम सॉरी जिमिन। अच्छा चल ये बता इतनी सुबह कॉलेज में क्यों बुलाया? हमें आज एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मिशन कंप्लीट करना है इसीलिए। तू भूल गई क्या? अब ये कौन सा नया मिशन आ गया, हमें तो आज उस बिल्ले को पार्टी में ले जाने के लिए मनाना है और तू एक और नया मिशन लेके आ गई। अरे पागल मैं उसी की बात कर रही हूँ पर सीक्रेट स्कोर में ताकि किसी को पता न चले। ओह
अच्छा अच्छा सॉरी। हाँ एना, अब हम क्या करेंगे? पहले तो ये स्कार्फ पहन। पर ये क्यों? ये इसलिए जब हम शुगा का पीछा करेंगे तो वो हमें पहचान ना सके। ओह हाँ, इतने में शुगा और जेहोब कॉलेज में एंटर करते हैं और जिमिन उनको देख लेती है। एना वो देख पिल्ला आ गया। एना भी उन दोनों को देखती है पर उसकी नजर जेहोब पर टिक जाती है और वो जेहोब को ही देखती रहती है। अब हमें आगे क्या करना है ये तू बता। एना जिमिन की आवाज नहीं सुनती और वो जेहोब को देखती रहती है जब तक वो कॉलेज के अंदर नहीं चला गया। एना तुझे क्या हो गया है? हाँ जिमिन, क्या हुआ? शुगा कहाँ चला गया? वो अंदर चला गया। मैं तुझे कब से बोले जा रही हूँ एना, वो देख अंदर जा रहे हैं, वो देख अंदर जा रहे हैं। तू है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। पता नहीं कब से उन दोनों को घूरे जा रही थी। उन दोनों का नहीं, बस उस नए लड़के को। He is so handsome. वो उसका छोटा भाई जेहोप है। ओह, तो इस हैंडसम बॉय का नाम जेहोप है। एना अपनी लव स्टोरी बाद में शुरू कर लेना, जो हमने मिशन शुरू किया पहले वो तो पूरा कर ले, वरना मैं पार्टी में नहीं आ रही। ओह हाँ, सॉरी जिमिन, चल मिशन को अंजाम देते हैं। मिशन शुगा पटाओ स्टार्ट। एना ये क्या बोल रही है? आई मीन शुगा को मनाना है, चल। एना और जिमिन शुगा का पीछा करते हैं। शायद ये इतना फास्ट क्यों चल रहा है, धीरे नहीं चल सकता क्या? जिमिन अब ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, चल अब। इधर शुगा को भी लगता है कि उसका कोई पीछा करता है, वो मुड़कर पीछे देखता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। शुगा ये तेरा वहम है, चल क्लास में। ऐसे शुगा क्लास में चला जाता है। एना यार बाल बाल बच गए, अभी इस बिल्ले ने हमको देख ही लेना था। हाँ यार अभी पकड़े जाना था। एना यार मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा हम उस बिल्ले का पीछा क्यों कर रहे हैं, हम उसे सीधे जाके बात नहीं कर सकते क्या? मुझे लगता है वो सीधे सीधे मारने वालों में से है। नहीं यार बिल्कुल भी नहीं। जिमिन पुराने लोग कहते हैं ना कि घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। पर एना हमें तो घी नहीं निकालना, हमें तो उस बिल्ले को मनाना है। यार जिमिन आज तू पागल जैसी बातें क्यों कर रही है, मैंने बस एक कहावत बोली है। ओह सॉरी यार, इस बिल्ले की वजह से मेरा दिमाग खिसक गया है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, चल नहीं तो शिकार हाथ से निकल जाएगा। हाँ चल। शुगा क्लासरूम में चला जाता है। एना ये तो क्लास में चला गया, अब क्या करेंगे? करना क्या है, अब हमको इसके बाहर आने का इंतजार करना पड़ेगा। तभी जिमिन के कंधे पर कोई हाथ रखता है। आर्मी आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि जिमिन के कंधे पर किसने हाथ रखा था। आर्मी मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आर्मी आप मेरी फैमिली टाइप हो, पर लेकिन आप लोगों ने कमेंट्स में मेरी तबीयत के बारे में ना पूछ के नेक्स्ट पार्ट की बात करी तो मुझे इस बात का काफी बुरा लगा। इसलिए मेरा मन भी उठ गया था कि मैं वीडियो अब ना डालूं, पर लेकिन आप लोगों का बहुत सारा कमेंट देख के फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं छोड़ो इस बात को, आर्मी की खुशी के लिए मुझे वीडियो डालना चाहिए, तो इसलिए मैंने दोबारा से वीडियो डाला है। अब से वीडियो टाइम पे आएगा। वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।